कितने वोट नहीं मिले, पूरी विधानसभा ने जिताया है, भाजपा की सरकार ने याद किया। ये वीडियो सुना आपने, कुछ समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको विस्तार से बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन, आप देख रहे हैं जनतावाज। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी विधायक राहुल बच्चा और पुलिस दरोगा के बीच बहस का है। पहले एक बार इस वीडियो को पूरा सुनो। कितने वोट नहीं मिले, पूरी विधानसभा ने जिताया है, भाजपा की सरकार ने याद किया, भाजपा की सरकार ने याद किया, भाजपा की सरकार ने याद किया। समझ रहे हैं? आपने किस तरीके से सबसे बड़ी बात चाहिए था, तो 20 करोड़ की आबादी में सिलेक्शन हमारा भी हुआ, 20 करोड़ की आबादी में सिलेक्शन हमारा भी हुआ, 20 करोड़ की आबादी में सिलेक्शन हमारा भी हुआ, हुआ तो इस तरीके से राज्य सरकार ने कर दिया। आपको ये संस्कार नहीं मिले, आपने पढ़ाई करी, बात करी जाए? अच्छे संस्कार, ज्ञान देने वाली बात मत करो। लखनऊ वीडियो आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक दरोगा से कह रहे हैं कि वो कोई डकैत नहीं है, वो चाहे तो उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बिलौर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक राहुल बच्चा किसी केस की वजह से अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दरोगा से केस की जानकारी मांगी तो विधायक समर्थकों और दरोगा के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बीजेपी विधायक के एक समर्थक ने दरोगा से कहा, पूरी विधानसभा के लोगों ने इन्हें जिताया है, भाजपा की सरकार है, ये याद रखिए। कितने वोट नहीं मिले, पूरी विधानसभा ने इन्हें जिताया है, भाजपा की सरकार ने याद रखिया। इस बात पर दरोगा ने भी तुरंत जवाब दिया कि मेरा भी 20 करोड़ की आबादी में सिलेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात चाहिए, 20 करोड़ की आबादी में सिलेक्शन हमारा भी हुआ। ये दरोगा जो भी हो, इनका साहस वाकई काबिले तारीफ है। सत्ता से बिना डरे, बिना किसी भय के जिस तरह से विधायक महोदय और उनके समर्थकों को जवाब देकर उनके चेहरे का पानी उतारा, काश हमारे देश के पत्रकार इन बहादुर दरोगा जी से प्रेरणा ले लें तो देश के हालात सुधरने में देर नहीं लगेगी। वैसे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है, सब कुछ फिल्मी सीन सा लग रहा है। कांग्रेस का मजबूती के साथ सड़कों पर उतरना, बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना, और उससे भी बड़ी बात, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परोक्ष रूप से काला जादू होने की आशंका बताना, सब कुछ फिल्मी सीन सा ही दिखाई दे रहा है। फिल्मों में जिस प्रकार से लास्ट में विलेन का हर कोई काउंटर करता है, ठीक वैसा ही माहौल इस देश में हो गया है। शायद इसीलिए नौकरी के सवाल पर पत्रकारों से तेजस्वी यादव कहते हैं, अच्छा हुआ कम से कम आप मुद्दों के सवाल तो उठा रहे हैं, आप नौकरी पर सवाल पूछ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और आज एक दरोगा बिना सत्ता से डरे सीधे विधायक और भाजपा को चुनौती दे रहा है, इससे तो लगता है कि अब हर कोई बीजेपी को हल्के में ले रहा है, शायद अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए जनता आवाज, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।